Hello, welcome back to my channel. I hope you all are fine. तो आज का मेरा ये ब्लॉग है एक स्पेशल पौधे के ऊपर जिसे हम एलोवेरा कहते हैं. हिंदी में इसे घृत कुमारी भी बोला जाता है. अगर हम रोज एलोवेरा का जूस खाली पेट पिए तो इससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है. इट इम्प्रूव्स आवर डाइजेस्टिव हेल्थ, प्रमोट्स ओरल हेल्थ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट हील्स बर्न्स ड्यू टू इट्स सूदिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज. एलोवेरा इज ऑफन यूज टू ट्रीट बर्न्स. आजकल ज्यादातर लोग एलोवेरा का यूज अपनी ब्यूटी रेजिम में जरूर करते हैं. तो मैं एलोवेरा का यूज कैसे करती हूँ ये मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ. मेरे पास एलोवेरा का पेड़ है जिसके पत्तियों को मैं इस तरह से काट के साफ सुथरे पानी में पहले अच्छे से धो लेती हूँ. इन पत्तियों को अच्छे से धोने के बाद मैं सबसे पहले चाकू की हेल्प से इन पत्तियों को काट लेती हूँ ताकि बीच में जो ये जेल जैसा प्रोडक्ट है ये मुझे मिल जाए. अब इन जेल जैसे प्रोडक्ट को मैं एक कटोरी में अच्छे से इकट्ठे कर लेती हूँ. एलोवेरा की इस जेल को आप बहुत डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं लेकिन मैं सबसे पहले इसे एक ब्लेंडर में दे देती हूँ. ब्लेंडर में देने के बाद मैं ढक्कन को बंद करके इसको अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड करती हूँ ताकि जो जेल है उससे जितना जूस हो सके वो निकल जाए. तो ये देखिए मेरा जूस रेडी है. अब इस जूस को मैं एक स्ट्रेनर से छान लेती हूँ ताकि अगर कोई भी रेसिड्यू है तो वो स्ट्रेनर में अटक जाए. अगर आप चाहें तो इस जूस को रोज सुबह खाली पेट पी सकते हैं लेकिन मैं इसका यूज अपनी ब्यूटी रेजिम में करती हूँ. इस जूस को मैं आइस क्यूब्स में टर्न कर देती हूँ और गर्मियों में इस क्यूब को अपने फेस में अच्छे से लगा के रिफ्रेश होती हूँ ताकि पिंपल्स और कोई भी रैशेस जैसी बीमारियाँ हों तो वो आराम से निकल जाए. एलोवेरा बहुत यूजफुल प्लांट है और अगर ये प्लांट आपके घर में है तो इस तरह से जूस निकाल के आप इसका डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं. इस आइस क्यूब को बनाते समय आप इसमें कुकुम्बर का जूस या पोटैटो जूस मिलाकर भी आइस क्यूब तैयार कर सकते हैं और उन्हें भी अपने फेस में अप्लाई कर सकते हैं. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बाय बाय.